हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा एंड माय चैनल नेम इज़ ग्लैम यू। होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आप सोच रहे हो कि आज मैं इतना तैयार व्यार होके घूम कहाँ रही हूँ। तो इतना तैयार होकर मैं कहीं नहीं घूम रही हूँ, मैं हूँ अपने घर में। तो एक्चुअली अभी जस्ट मैंने वीडियो शूट किया तीज का, मतलब तीज से मतलब हरियाली तीज, जैसा कि आप सब जानते हो कि 3 अगस्त को हरियाली तीज है। तो उसी का मैंने वीडियो जस्ट एक शूट किया है, छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो मे भी कल अप हो जाएगा या फिर उसके नेक्स्ट डे अप होगा, आई एम नॉट श्योर। तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से जाके भी ज़रूर चेक कर लेना। आपको पता है मतलब इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 12:30। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 12:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग करती हूँ, नहीं तो आपको ज़रूर दिखा लेती कि टाइम कितना हो रहा है। तो 12:30 हो रहे हैं, अथर्व अभी सोया हुआ है, ये भी अभी सोए हुए हैं, और मैं इतना तैयार होके रात को 12:30 बजे अपने घर में घूम रही हूँ। क्या करें, मतलब आप लोग जानते हो ना, जब बच्चा होता है और फिर आप जब यूट्यूब पे हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम को मैनेज करने के लिए। इस वजह से मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा ठीक टाइम है जिस टाइम पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। बिकॉज जब आप ऐसा कुछ मेकअप ट्यूटोरियल बनाते हो ना, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है करने में। अथर्व आप जानते हो 1/2 घंटे से ऊपर सोता नहीं है, तो उसके साथ दिन में बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस टाइम पे वो अपने पापा के साथ सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वाला लुक क्रिएट कर लेती हूँ और वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वीडियो शूट हो चुका है, और ये देखो मैंने पहनी है बैंगल्स। मैं इसी बैंगल की बात करी थी, ये मेरी ना शादी की बैंगल्स है जो मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने कम पहनी है, ये इतनी तो होगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत पसंद है। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर सी हैं ये बैंगल्स। तो ये लाक है, हम लोगों में लाक का जो चूड़ा होता है उसको शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोगों में, जैसे पंजाबियों में वो जो नॉर्मल जो चूड़ा होता है वो पहना जाता है। तो हर किसी का अपना अपना ट्रेडिशन है। कई लोगों में शादी के टाइम पे ब्लैक कलर की चूड़ी पहनी जाती है, कई लोगों में रेड पहनी जाती है, कई लोगों में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी जाती हैं कांच की, जिसको शुभ माना जाता है। तो मेरी साइड को जो ये लाक होता है, लाक को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिस तरीके से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा यू नो वेराइटीज़ आती है ना, कि जैसे चूड़ा होता है वो जो रेड वाइट वाला जो चूड़ा आता है यूजली, तो जैसे चूड़ा होता है तो उसके अंदर भी यही होता है ना, उस चूड़े के अंदर भी आप गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत डिफिकल्ट है बालों को इतनी देर खोल के रखना। तो जो वो चूड़ा होता है उसके अंदर भी जैसे ये होता है ना कि आप मतलब सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है, उसी तरीके से ना जो लाक होता है, लाक में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। लोअर क्वालिटी भी आती है और अपर क्वालिटी भी आती है, जो मतलब थोड़ी बहुत कॉस्टली आती है। तो लाक भी आपको आराम से मतलब छोटी सी रेंज से लेके बड़ी रेंज तक में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो वही है, तो शादी का चूड़ा था तो थोड़ा सा कॉस्टली था, आई डोंट नो, मुझे अब वो बिल्कुल एग्जैक्टली याद है नहीं ये कितने का था, लेकिन बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती भी कि क्या उस चूड़े के पीछे पड़ी रहती है 24 घंटे, जब भी कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो मैं ना यही चूड़ी डाल देती हूँ। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे इतना पसंद है ना, जब भी कुछ होता है अच्छा सा, जैसे भी जैसे फेस्टिव सीजन है, अभी मैंने यही सोचा कि तीज पे मैं यही डालूंगी, लेकिन मम्मी थोड़ा सा मना कर रही थी। मम्मी कहती कि कुछ और डालें, कुछ नया डालने का सोचा कर, एक ही जैसी कपड़े एक ही जैसी चीज़ों को पहनती रहती है, इसी बैंगल को हमेशा पहनती है, तो वो रही थी। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी तो मैंने सोचा है कि ये पहनूंगी, मे बी कुछ और बैंगल डाल लूँ, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि यही वाली बैंगल डाल लूँगी। और इसके अलावा पता नहीं, देखते हैं बाकी, क्योंकि तीज की तो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। साड़ी वगैरह जो है वो मैंने ले ली है, दिखाऊंगी उस दिन, थोड़ा सा सरप्राइज तो रहना चाहिए ना, तो उसी दिन दिखाऊंगी कि वो साड़ी कैसी कैसी है। और बाकी सारी जो एसेसरीज थी वो सब भी मैंने बाय कर ली। तो अभी मैंने जस्ट इस लुक को क्रिएट करने के लिए सिंपल मंगलसूत्र पहना है, बिकॉज आप लोग जानते हो ना कितनी ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में हैवी सेट्स पहनना बहुत 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 डिफिकल्ट है। तो मैंने इसलिए जस्ट इसी को पहन रखा है और उससे ये लुक क्रिएट किया। और ये झुमका, जो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये दिखने में थोड़ा सा ना, देखो दिखने में थोड़ा सा आपको हैवी सा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, और बहुत ही सुंदर भी है। और एज इट इज़ ये जो रिंग देख रहे हो आप, मैं आपको ना दिखा देती हूँ, वैसे मैं दिखाने वाली थी नहीं,
मैंने सोचा था कि एक ना एक, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि मैं गई थी एसएन, तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई हूँ। सोच के गई थी कि सिर्फ अथर के लिए खरीदूंगी, लेकिन आप लोग जानते हो ना फीमेल्स का थोड़ा ना ऐसे ही अंदर से ही मतलब थोड़ा ऐसा डिफेक्ट होता है कि जब भी वो मार्केट में जाते हैं ना और सारा सामान देखते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है कि यार ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। तो वही वाली चीज़ थी, तो मैंने ये वहीं से ये रिंग बाय की। हालांकि इतनी बड़ी रिंग मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ना जब आप ऐसे रिंग पहनते हो ना, बाल बाल ऐसे करोगे ना तो उसके अंदर अटक जाती है जाके, तो इसलिए नहीं पहनती हूँ। लेकिन ले ली, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। प्राइस जाना है तो शॉपिंग हॉल का जो एसएन का हॉल बनने वाला है उसको चेकआउट करना, तो आपको पता चल जाएगा किसका प्राइस क्या है। नहीं, अगर ये वीडियो आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से चेक कर लेना। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बिकॉज इस टाइम पर मैं सोच रही हूँ कि ना एक वीडियो और है उसे भी शूट कर लूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ब्लॉगिंग तो हो जाती है दिन में भी, कोई ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट आप जब मेकअप ट्यूटोरियल शूट करते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है करना, क्योंकि मतलब छोटा बच्चा हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं होता है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज आप अकेले हो, करना क्या है। लेकिन अथर्व के साथ वो बार बार बीच बीच में आके इंटरप्ट करता है, आपको विश्वास नहीं होगा, उसने अभी देखा होगा कि मैं उसके पास नहीं सो रही हूँ, तो अभी वो थोड़ी देर पहले रोते रोते यहाँ चल के आया था, फिर मैं उसे दोबारा से वापस सुलाने गई हूँ और फिर बाकी का जो बचा हुआ लुक है उसे कंप्लीट किया। जल्दी से आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो उसमें ना मैं पूरा अपनी साड़ी नहीं दिखा पाई हूँ, मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ये नीचे ग्रीन है, इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई हुई हुई है इसके अंदर, टू शेडेड साड़ी है ये। और उसके बाद यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पे ये ग्रीन है ये यहाँ पे, और इसका ये प्यारा सा बॉर्डर है, देख लिया है ना, सुंदर सा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी भी। हालाँकि साड़ियाँ मैं बहुत ही कम पहन ज़्यादा पहनती नहीं, आप लोग जानते हो यार बच्चों के साथ ना बहुत ही डिफिकल्ट है साड़ी वाड़ी पहनना। तो चलो अभी जो दूसरी वीडियो है उसको भी शूट कर लेती हूँ, मैंने सोचा कि जो ये वाला ब्लॉग है वो रात को 12:30 बजे से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो बाकी अब वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद अभी नहीं मिलूंगी, अब मिलूंगी मैं आपको कल, थोड़ी सी नींद वींद भी ले लूँगी, थोड़ा सा सो जाऊँ, तो मिलूंगी आपको कल। तो चलो तब तक अपना हाय गुड मॉर्निंग, और अथर्व भी यहीं पर है, हाय बोलो, हाय बोलो, बाय बाय, अब बता दो डॉगी कैसे बोलता है। सो अभी हूँ मैं वापस से बालकनी में, एक्चुअली टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी बज रहे हैं 8:30 मॉर्निंग और ये ऑफिस जा चुके हैं, मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी, तो अभी नहाई वहाई नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी सी चाय पी है मॉर्निंग में, इनके साथ ही चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, और इन्हें दे दिया ब्रेकफास्ट दे दिया और लंच भी दे दिया, बाकी अभी करूँगी थोड़ा सा, थर्ब सो जाएगा तो होप तीज की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अप है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देखिए, और देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। उसके अलावा मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के बारे में भी आपको कौवे की कांव भी सुनाई दे रही होगी, एक्चुअली वेदर जो है वेदर थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली वेदर अच्छा है, इसी वजह से मैं यहाँ बालकनी में बैठी हुई हूँ। कभी कभी ना मतलब हालाँकि जो हमारी जो बालकनी है ना उसकी मतलब लेंथ वाइज तो काफ़ी अच्छा है, बट ब्रेथ वाइज उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना आप मुझे सिर्फ इतनी दूर हो, सिर्फ इतना सा स्पेस है बालकनी में। ये तो मन करता है कि जैसे वो होता है ना झूले वगैरह होते हैं वो भी लगाने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, यहाँ अगर लगेगा तो वो चलेगा नहीं। और अथर्व अपने डॉगी को लेके आ गया है, अथर्व इस डॉगी को हमेशा बोलता है कि ना मेरे इस डॉगी को सुला दो, ऐसे ऐसे करके फिर डॉगी को ऐसे करके सुलाना पड़ता है ना। बैठ जाओ डॉगी को बैठ जाओ। अथर्व को ये डॉगी बहुत पसंद है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट टॉयज हैं जो डॉगी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना डॉगी। अथर्व के साथ किसी वीडियो को शूट करना
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और इवन मतलब इवन अभी जो अर्थर यहाँ पे डॉगी लेके घूम रहा है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है. 2 मिनट के अंदर जो डॉगी है उसको नीचे गिरा देगा. मैं आपको दिखाया था ना कि इसके लिए ब्लॉक्स भी लेके आई थी मैं, तो उन ब्लॉक्स में से कम 5 या 6 ब्लॉक्स जो हैं उसको ये बालकनी से नीचे फेंक चुका है. और हम लोग इतना ऊपर रहते हैं, मतलब हमारा जो ये फ्लोर है ये 4th फ्लोर है, तो यहाँ से ना नीचे जाने में वैसे ही बड़ा आलस आता है, नहीं मन करता बिल्कुल. अरे इधर हो, कैमरे के सामने जाएंगे. देखो अथर इस तरीके से परेशान करता है मेरे को, इसी वजह से जब अथर उठा होता है तो उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ. ये देखो ये क्या कर रहा है. ये जो डिश है ना, डिश को हमने यहीं पे अभी रख रखा है. मतलब जो ये डिश की जो छतरी होती है, अम्ब्रेला होता है डिश वाला, ये भी यहीं रख रखा है. हमने इसे लगाया नहीं है. लगाया इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ना अमेज़ॉन का इतना नाम याद नहीं आ रहा, पूछ के बताऊंगी, वो लिया है. तो उससे क्या होता है ना कि हाँ फायर स्टिक लिया है, तो उससे क्या होता है कि इंटरनेट की ज़रूरत, इंटरनेट से ही टीवी चल जाता, तो हम लोग इंटरनेट से ही टीवी चला लेते हैं. क्योंकि वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है टीवी देखने का, क्योंकि अथर्व के साथ टीवी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है अथर्व के साथ टीवी देखने का. तो हम वही लगा लेते हैं जब भी देखना होता है. तो वैसे भी लाइव एपिसोड्स या लाइव चैनल्स तो वैसे भी हम लोग कुछ देखते नहीं हैं. हम लोग देखते हैं सारे जो निकल चुके होते हैं, तो जब टाइम मिला तो उसको देख लिया. तो इसी वजह से हाँ खुश हुआ जा रहा है अथर्व को. जैसे देखो ये फिर जाएगा यहीं से, ये लो. अच्छा ये मेरा क्लेटर लेके जा रहा है इसके अंदर फेंकने के लिए, स्माइल लेके इसके चेहरे पे. ऐसी स्माइल रहती है अथर्व के चेहरे पे. तो चलो, लग रहा है किसी की लड़ाई हो रही है. आई डोंट नो, लोग तो लड़ते बहुत ज़्यादा हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे. यहाँ पे तो लड़ाई होना बहुत ही मामूली सी बात है. तो चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. फिर तक आप मेरा वो वाला वीडियो देख लो, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो, अगर बाहर जाने की जहमत नहीं उठाना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक. सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूँ अभी किचन में, और अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास हो रहा है. और अथर्व सो के जाग चुका है. उस टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उसके थोड़ी देर बाद ही अथर्व सो गया था. तो जैसे ही वो सोया वैसे ही जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किचन और ये सारी चीज़ें कर ली, नहा भी ली साथ में, क्योंकि आज वैसे भी थर्सडे है और थर्सडे को साईं बाबा का दिन होता है तो उनकी पूजा करनी थी. तो अब लग रही है भूख क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, वही मॉर्निंग की चाय पी रखी है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पोहा, बिकॉज इतने से इतना सारे जो चिड़वा होता है ये पड़ा हुआ है, तो ये रखा है. और इसको किसी तरीके से ख़त्म भी करना है, तो इनमें कीड़े भी लग जाते हैं बहुत बार. उसके अलावा कच्ची मूँगफली है जो ये मैं लेके आई थी, तो उसको ना मैं वैसे ही पूरा पैकेट फ्राई करके रख लेती हूँ. तो कभी भी वैसे भी खाने का अगर मन करे चाय के साथ, तो आप उसके अंदर नमक और काले मिर्च वगैरह डाल के ना खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है. तो अभी फिलहाल मैं सारा नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि मेरे पास उतने पेशेंस नहीं है कि मैं इसको पूरा फ्राई होने दूँ और उसके बाद में कुछ और बनाऊँ. तो मुझे बस इसे जल्दी जल्दी से फ्राई करना है और खाना है. तो अथर्व जैसा कि आप जानते हो कि अथर्व वीडियो बनाने नहीं देता, वैसे ही अभी भी कर रहा है. इसको सामान छेड़ना, जबकि मैंने इसका सॉन्ग लगा दिया है टीवी के ऊपर तभी भी. तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मेरा पोहा बनाने का स्टाइल क्या है. Thank you.
ब्रेकफास्ट लंच डन, अभी बज गए हैं शाम के 4, लेकिन बाहर का जो वेदर है वो वैसा ही है मॉर्निंग से लेके अभी तक। मॉर्निंग में काफ़ी देर धूप थी लेकिन उसके बाद धूप चली गई ऑल ऑफ सडन, एंड अच्छा फिर से बालकनी में घूम रहा, धूप चली गई और उसके बाद अभी मतलब उसके बाद से जो वेदर है वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है एज इट इज। इतनी देर से कोई धूप नहीं आई है लेकिन बारिश भी नहीं हुई। आई डोंट नो, न्यूज़ में फ्लैश हो रहा है कि ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, पता नहीं कहाँ हो रही है, यहाँ तो बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है। तो बस यही, आज का दिन इसी तरीके से ही निकल गया। और सरोजिनी नगर शॉपिंग हॉल का जो वीडियो है वो अप हो चुका है, काफ़ी टाइम लगा दिया आई नो, क्योंकि ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली उस वीडियो को शूट करने के लिए क्योंकि अथर्व के चक्कर में, लेकिन फाइनली मैंने वो वीडियो शूट कर दिया है। एंड आज जो मैंने पहना है, ये पहना है मैंने, ये जो जयपुरी गाउन जैसा सा होता है ना, ये पहना है, बहुत ही सही है ये। एक्चुअली मैंने लिया था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसमें ना यहाँ पे जो है ये मैंने एक्चुअली पीछे से ना बांध रखा है ये देखो, तो इस वजह से, नहीं तो ये ऐसे करके काफ़ी सारा स्पेस है। तो जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे इसको आप मतलब काफ़ी ठीक था, बहुत अच्छा खासा लूज़ था उस टाइम पे, वैसे भी लूज़ कपड़े ही पहनने चाहिए तो इसलिए। और आप लोगों को याद है एक टी शर्ट थी, डुगो ये देखो ये क्या कर रहा है, आप लोगों को याद है एक टी शर्ट थी जो मैंने ली थी जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो टी शर्ट वो लोग वापस नहीं लेके जा रहे थे। पूरे 15-20 डेज हो चुके, मैंने 7th of July को उन्हें कंप्लेन किया था, रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था कि अपना प्रोडक्ट ले जाओ ख़राब है, लेकिन 5 या 6 बार कंप्लेन करने के बाद वो फाइनली कल इवनिंग में आए थे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। जब मैंने इतनी सारी कंप्लेन मेल्स डाली हैं कोरियर कंपनी को और जो ये बेस कंपनी थी जिनसे वो मैंने वो सामान लिया था उनको, इतनी दुनिया भर की मेल डाली, उसके बाद जाके उन्होंने वो प्रोडक्ट कल पिक कराया है। आई डोंट नो मतलब किस तरीके की सर्विसेज हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी, समटाइम्स ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि मार्केट जाने का उतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो बस ऑनलाइन दिख जाता है कई बार जो भी, तो उसी को वैसे बाय कर लेती हूँ। तो हमेशा नहीं होता बट होता है समटाइम्स, कोरियर कंपनीज की भी गलती होती है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है उनसे शॉपिंग करते हुए, तो मुझे कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। अरे देखो घर में दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलो खोलो खोलो, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन ठीक है होता है कई बार, लेकिन फाइनली उन्होंने प्रोडक्ट पिक कर लिया। बिकॉज वो जो टी शर्ट थी ना वो इतनी बेकार थी मतलब वो यूज़ करने लायक भी टी शर्ट नहीं थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर उसे रखने का कोई मतलब भी नहीं होता। अगर वो थोड़ी बहुत भी ठीक रहती ना तो मैं उसको वापस नहीं करती, मैं उसको रख लेती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो चलो आज का जो ब्लॉग है उसको यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना और बारिश एंजॉय करना, बिकॉज अब बारिश के बाद थोड़ा बहुत बारिश रहेगा, उसके बाद ठंड आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब तो खैर टाइम है, अभी जुलाई आया है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और दिल्ली में पहले तो जो ठंड है वो आ जाती थी अक्टूबर एंड तक, जब हमारे वो शारदीय नवरात्र होते हैं ना उसके बाद ठंड होती थी। शारदीय नवरात्र का मतलब यही है कि शरद ऋतु का आना, लेकिन वो शारदीय नवरात्र में आजकल तो बिल्कुल ठंड नहीं रहती, दिसंबर तक भी ठंड नहीं रहती है। लास्ट ईयर ठंड पड़ी थी, लास्ट ईयर और ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, एक स्वेटर में पूरी ठंडी निकल गई थी। ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा लाइक ठंड भी गायब हो गई है, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें ना अपने टाइम से अलग चल रही है। गर्मी जो होती है, गर्मी कभी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल जाया करती थी उस टाइम पे जब 30-33 डिग्री टेम्परेचर होता था ना, हम तब बोलते थे कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, लेकिन आजकल 33-35 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तब होता है जब बिल्कुल गर्मी नहीं होती हमारे हिसाब से। गर्मी तो खैर होती है ऑफकोर्स, लेकिन 33-35 डिग्री पे कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि आजकल का जो हाइस्ट टेम्परेचर है वो 49-50 डिग्री तक पहुँच चुका है। मानसून जो है, मानसून आता है लेकिन मानसून जैसा नहीं आता, क्योंकि बारिश अब इतनी होती नहीं है, पेड़ कट जाते हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, और एज इट इज़ जो ठंड होती है ठंड के टाइम पे भी ठंड टाइम पे नहीं आती है, तो
वो ये ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों को काटेंगे तो ये सब चीजें तो होंगी होंगी, तो हम सबको इंडिविजुअली भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अथर्व ना ये बार बार दरवाजा बंद करने में लगा हुआ है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बारिश को एंजॉय करिए जो भी थोड़ी बहुत हो रही है, कई जगह तो बहुत ज्यादा हो रही है, और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन थैंक यू। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।